हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो गाइस फिर से एक और वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फिर से इस वाली वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक लैपटॉप की, इनफैक्ट एक बजट लैपटॉप की। ये लैपटॉप फोकस्ड है स्टूडेंट्स एंड बिजनेस पर्पज़ के यूजर्स के हिसाब से, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको मिलता है इंटेल i5 11 जेन का प्रोसेसर, आइरिस ग्राफिक के साथ आता है ये लैपटॉप। लैपटॉप का नाम है HP 14S। और आइरिस ग्राफिक के बारे में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई ये आइरिस ग्राफिक क्या MX 330 से पावरफुल है या नहीं। इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी लैपटॉप की रिव्यू की, डेल वाले लैपटॉप की रिव्यू वीडियो, उसमें भी इंटेल i5 11 जेन का प्रोसेसर था और MX 330 का ग्राफिक था। इसमें भी इंटेल i5 11 जेन का प्रोसेसर है लेकिन आइरिस ग्राफिक है। तो गेम उसमें मैंने GT5 वैलेंट रन किया था, इसमें भी हम GT5 और वैलेंट रन करेंगे। परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी, आप खुद ही जवाब जान जाओगे कौन सा पावरफुल है कौन सा नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप हैदराबाद में रहते हो और आपको लैपटॉप बाय करना है तो भाई स्वेता कंप्यूटर्स पे विजिट करो, वहां से जाके लैपटॉप बाय करो और वहां पे आपको हर सारे लैपटॉप मिल जाएंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इनफैक्ट ये लैपटॉप भी अगर आपको लेना है तो वहां से ले सकते हो, जाके भाई स्वेता कंप्यूटर से बाय करना, हमारा रेफरेंस दे दोगे तो भाई डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, कुछ इस तरह से हमारा लैपटॉप ये रहता है और ऊपर की तरफ से आपको कुछ इस तरह से ये दिखेगा, देख सकते हो। एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, जो HP 15S था उसी के सिमिलर इसका डिज़ाइन है। एंड यहाँ पर लेट फ्लेक्स थोड़ा देखेंगे तो यस, हल्का सा लेट फ्लेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक सी है, एवरेज मैं बोलूँगा। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक सिर्फ SD कार्ड का पोर्ट मिलता है, दो LED इंडिकेटर मिलते हैं। तो यार यहाँ पे एक USB टाइप ए का पोर्ट देना चाहिए था जहाँ तक मुझे लग रहा है। वहीं राइट साइड में हम देखें तो हमें मिल जाता है हेडफोन जैक का पोर्ट, USB टाइप सी का सुपर फास्ट पोर्ट, दो USB टाइप ए के सुपर फास्ट पोर्ट, एक HDMI का पोर्ट और एक AC अडाप्टर का पोर्ट। तो राइट साइड में कुछ इतने सारे आपको पोर्ट मिलते हैं। सामने से कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन दिखता है, कर लेते हैं इसको ओपन। लेकिन ओपन करने से पहले एक बार पीछे की तरफ का डिज़ाइन देख लेते हैं। तो पीछे की तरफ भी देख सकते हो सेम डिज़ाइन जैसा आपको 15S में मिलता था, वैसा ही डिज़ाइन इसमें भी आपको मिलेगा। तो चलो अब लैपटॉप को करते हैं ओपन, एक हाथ से लाकर ओपन करते हैं, देखते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा है। ओके, तो उतना अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आप बिल्कुल ईजिली तो नहीं कर पाओगे एक हाथ से ओपन, आपको दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो हमें इसे ऐसे हाथ लगा के ऐसे ओपन करना पड़ेगा। सो गाइस यस, कुछ इस तरह से आपको ओपन करने के बाद ये लैपटॉप का लुक दिखता है। ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है, सिमिलर टू 15S के पुराने जो मॉडल्स हैं उसी की तरह है। थोड़ा सा छोटा है, कॉम्पैक्ट है उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले वाले के मॉडल के। तो चलो इसको कर लेते हैं बूट एंड उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लैपटॉप का वेट मैं बता दूँ, ये 1.47 kg का लैपटॉप का वेट है। तो अभी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसमें आपको 14 इंचेस का माइक्रो एज का, 250 निट्स का, 45% NTSC का, 720p का डिस्प्ले मिलता है। सो 720p का डिस्प्ले मिलता है, ये पॉइंट को आप माइंड में रखना, 1080p का नहीं मिलता है इसमें। तो स्पीकर्स के बारे में बात करें तो डायरेक्टली मैं इनके स्पीकर्स के थ्रू एक ऑडियो सैंपल आपको सुना देता हूँ। तो लाउडनेस तो काफ़ी अच्छी है लेकिन बेस और ट्रेबल वगैरह उतना फील नहीं हुआ मेरे को। मैं यहाँ पे इसके स्पीकर्स को एवरेज मार्क करूँगा। मैं बात करूँ प्रोसेसर की तो प्रोसेसर इसमें जो मिलता है वो आपको i5 11 जेन का प्रोसेसर मिलता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। लेकिन ये क्लॉकेबल है 4.2 GHz तक का और ये आता है इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में और इसमें मिलती है आपको 8 MB की L3 केस मेमोरी। प्रोसेसर 4 कोर वाला है ये भाई। एंड GPU जो इसमें लगा हुआ है तो भाई GPU है इंटेल का आइरिस XE G7 96EU का ग्राफिक्स। तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, वो कैसी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सीधा गेम प्ले में। तो गेम प्ले में इसके बारे में बात करेंगे तो स्टोरेज जो इसमें मिलता है वो मिलता है आपको 512 GB का स्टोरेज एंड रैम जो मिलती है वो मिलती है आपको 8 GB की रैम। तो रैम जो इसमें है, रैम के दो स्लॉट्स हैं, 4 GB के दो इसमें स्टिक लगे हुए हैं। अच्छी चीज़ है कि दो स्लॉट हैं, एक निकाल के आप अपग्रेड करोगे तो भी आपको 12 GB की रैम मिल जाएगी आप। एंड वेबकैम की बात करें तो जो आपको वेबकैम मिलता है वो 720p का ट्रू विज़न का HP का वेबकैम मिल जाता है। एंड देखो कीबोर्ड की बात करें तो की ट्रेवल इसमें अच्छा लगा लेकिन इसमें कोई बैकलेट नहीं दी गई है, आपको बैकलेट वाला मॉडल अलग से लेना पड़ेगा कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करके। तो ट्रैक पैड की बात करें तो देखो स्मूथ है, वाइड है, अच्छा खासा वाइड है, बट थोड़ा सा ना क्लिक करने पे नॉइजी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, देखो थोड़ा सा नॉइजी है, क्लिक करने पे आवाज़ आती है, थोड़ा सा अनॉइंग लगता है ये। एंड इसकी ना ये वाली लेंथ जो है, ये यहाँ वाली लेंथ थोड़ी कम है, वाइड अच्छा खासा है बट लेंथ कम है। एंड की ट्रेवल कीबोर्ड का अच्छा खासा है,
सो फुल साइज़ का तो नहीं मिलता, नमपैड के साथ नहीं मिलता, बट स्टिल कीपैड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है आपको टाइपिंग एंड ऑल में। तो उसके बाद बात करना चाहूँगा बैटरी की। तो इसका जो बैटरी चार्जर वो 65 वॉट का है, 3 सेल 41 वाट आवर की बैटरी मिलती है, लिथियम आयन की बैटरी मिलती है इसमें आपको। एंड बैटरी लाइफ अगर वीडियो प्लेबैक पे देखा जाए तो 9 आवर्स की बैटरी लाइफ है इसकी। एंड गेमिंग में देखा जाए तो इसकी 4 to 5 आवर्स के आसपास चल जाएगी, डिपेंड करता है कौन सा गेम खेल रहे हो, कितने ज़्यादा ग्राफिक डिमांड वाला गेम खेल रहे हो, राइट। एंड नेट ब्राउजिंग की बात करें तो 7 से 8 घंटे तक मैक्स ये बैकअप दे देता है आपको फुल चार्ज पे। एंड ये थी बातें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अब चलो मैं आपको इसका गेम प्ले वगैरह दिखा देता हूँ। तो अभी तो हम इसमें रन कर लेते हैं वैलोरेंट, उसके बाद मैं आपको GTA 5 का भी गेम प्ले दिखाऊंगा। तो अभी देख सकते हो मैं वैलोरेंट खेल रहा हूँ और यहाँ पे FPS जो हमारा आ रहा है वो 100 तक भी चले जा रहा है, 80 to 100 में वेरी कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो CPU क्लॉक स्पीड वगैरह काफ़ी डिसेंट रह रही है और GPU भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। सो बहुत ही बढ़िया गेम चल रहा है, बहुत ही स्मूथ चल रहा है, इवन आप सेटिंग बढ़ा के भी इसमें खेल सकते हो। लेकिन बढ़िया चलने का एक और रीज़न है कि इसका डिस्प्ले 720p का है। यस गाइस, तो अभी ये जो गेम प्ले आप देख रहे हो ये MX 330 वाली GPU में है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो, लेकिन इसका डिस्प्ले 1080p का है और ये गेम 1080p में चल रहा है। तो अभी हम वापस स्विच हो गए हैं अपने HP 14S के आइरिस ग्राफिक पे। तो यहाँ पे देख सकते हो परफॉर्मेंस काफ़ी डिफरेंस है हमारे डेल वाले लैपटॉप से जिसमें MX 330 का ग्राफिक है। अब ये चीज़ थोड़ा और क्लियर हो जाए उसके लिए चलो GTA 5 भी रन कर लेते हैं और उसे भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे। सो GTA 5 को रन करने से पहले मैं आपको एक बार सेटिंग दिखा देता हूँ कि कौन सी सेटिंग पे हम रन करेंगे। डिस्प्ले तो देखो 720p का ही हमारा, तो रिजोल्यूशन जो रहेगा वो 720p ही रहेगा। बाकी की सेटिंग्स वगैरह आप देख लो कि कौन सी सेटिंग पे हम इसे रन कर रहे हैं। सो देखो गाइस, आराम से हमको 40 to 45 का एवरेज FPS मिल जा रहा है और परफॉर्मेंस औकात के हिसाब से बहुत सही है भाई इस GPU की। तो चलो अब हम कंपेयर कर लेंगे अपने MX 330 से भी। तो ये देख लो गाइस, अभी हम डेल वाले लैपटॉप में रन कर रहे हैं जिसमें CPU हमारा i5 11th Gen का ही है और GPU हमारा है MX 330 का। तो एक कंपेरिजन छोटा सा आपको फील हो जाएगा यहाँ पे। देख सकते हो इस वाले सिचुएशन में मैंने ना थोड़ा फ्रेम ड्रॉप वगैरह नोटिस किया था जब मैं ये लैपटॉप का रिव्यू कर रहा था, लेकिन हमारे आयरिस ग्राफिक में मैंने ऐसा कोई फ्रेम ड्रॉप मेजर नहीं नोटिस किया। एंड एक चीज़ और बता दूँ, ये गेम भी 720p के रिजोल्यूशन में रन हो रहा है। एंड यार डिस्प्ले 1080p का है बट स्टिल मैंने इसमें 720p में ही रन किया था कि थोड़ी परफॉर्मेंस और अच्छी मिले। एंड यहाँ पे हम वापस स्विच हो गए अपने HP 14S पे आइरिस ग्राफिक XE पे। देख सकते हो भाई थोड़ा सा हमने सेटिंग्स को लो किया, लाइक मीडियम वगैरह पे किया, और यहाँ पे हमको 60 above का FPS मिल रहा है GTA 5 में। तो भाई क्लियरली आप देख सकते हो कि आइरिस XE ग्राफिक हमारा पावरफुल है MX 330 से। तो गाइस ये था हमारे HP 14S में GTA 5 और वैलोरेंट का गेम प्ले, और साथ ही साथ मैंने आपको NVIDIA MX 330 वर्सेस इंटेल आइरिस XE ग्राफिक G796EU का कंपैरिजन भी दिखा दिया। तो देखो भाई ये लैपटॉप मेरे को अच्छा लगा, इसका जो कॉम्पैक्टनेस है वो मेरे को इम्प्रेस कर गया, थोड़ा सा लाइट वेट है। तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी लाइटर है ये मुझे अच्छा लगा। आइरिस ग्राफिक इसका जो है वो काफ़ी पावरफुल है, MX 330 से अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ये मुझे अच्छा लगा। एंड आपको ये मिलता है लैपटॉप MS ऑफिस के साथ में फ्री में मिलता है इसमें, तो ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यार इस लैपटॉप में बैटरी लाइफ आपको काफ़ी अच्छी मिलती है क्योंकि इसमें 720p का डिस्प्ले मिलता है। तो अब कौन की बात कर लेते हैं, कौन शुरू ही यहीं से होता है कि इसमें 720p का डिस्प्ले मिलता है। एंड आपको लेफ्ट साइड में कोई भी USB पोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ 2 USB पोर्ट मिलता है। एक लेफ्ट साइड में देना चाहिए था, माउस वगैरह कनेक्ट करने में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मतलब समझ रहे हो ना, अच्छा लगता है मेरे को यार। खैर प्राइजेस का है 58 to 60,000 के आसपास में, वैरी करता रहता है आपको पता है। तो जिस हिसाब से देखो आपको सस्ता ही मिलेगा, ऑफलाइन लोगे तो बैग वगैरह भी मिल जाएगा। सो लैपटॉप में थोड़ी बहुत गेमिंग हो सकती है, परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं आएगा। और बाकी 720p का डिस्प्ले उतना इशू नहीं करेगा क्योंकि लैपटॉप के डिस्प्ले का साइज छोटा है, तो आपको उतना फील नहीं होगा 720p का डिस्प्ले है। सो ठीक है, ये वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो यूजफुल प्लीज़ भाई लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय एंड सी यू नेक्स्ट।